तो इसके आप लोगों का जो एम है वो सही से लग रहा नहीं है। आप लोग अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आप लोगों का जो रिकॉइल है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लोग अच्छे से एम नहीं कर पा रहे, बंदे लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों का जो सेंसिटिविटी वो सही से मिल नहीं पा रहा है? मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ देख लिया, लेकिन आप लोग फिर भी अपना जो सेंसिटिविटी खुद का वो बना नहीं पा रहे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोगों जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं आप लोग अपना जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो भी दूंगा ताकि आप लोगों जो है एकदम परफेक्ट रह जाए। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आईपैड का सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों को दे देते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को आईपैड का सेंसिटिविटी दे देते हैं, और आप लोग वो वाला सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करते हो और कोड को अपना अप्लाई कर देते हो, और कोड अप्लाई करने के बाद आप लोग देखते हो कि आपका जो सेंसिटिविटी वो सही से काम नहीं कर रहा, आपका जो पहले वाला सेंसिटिविटी वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा था, आप लोग यही बोलोगे, क्योंकि वो जो सेंसिटिविटी है वो आईपैड का सेंसिटिविटी है, वो आप लोगों के इसके अंदर मोबाइल के अंदर काम ही नहीं करेगा। अगर आप लोग कोई भी यूट्यूबर का जो भी आईपैड का मतलब सेंसिटिविटी सेटिंग देता है, अगर आप लोगों को लगेगा कि उसके साथ सेम आप लोग रिकॉल कंट्रोल कर पाओगे, देखते हो कि आप लोग इतना स्मूथ जाता है, एकदम स्ट्रेट, कोई भी यहाँ पे हिलता विलता नहीं उसको, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आईपैड के अंदर वैसे भी नो रिकॉयल है। अगर आप लोग जायरो प्लेयर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो रिकॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब उसके अंदर रिकॉयल ही नहीं होता इतना ज़्यादा उसके अंदर, आईपैड के अंदर अच्छे से काम करता है, क्योंकि स्क्रीन बड़ा है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, इतना मोबाइल वोबाइल को हिलाना नहीं पड़ता, इतना ड्रैग नहीं करना पड़ता। और जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि मैं जो है कोई भी आईपैड का सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों को नहीं देने वाला, मेरा जो फ़ोन का सेंसिटिविटी है वही मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और कुछ ऐसे चीज़ें भी बताने वाला हूँ ताकि आप लोग जो है वो काम आए। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई जोनाथन का सेंसिटिविटी सेटिंग हम लोग यूज़ कर लेंगे तो जोनाथन का जैसा हम लोग बन जाएंगे, खेलेंगे ऐसा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग जोनाथन का सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करोगे तो आप लोग जोनाथन जैसा बन जाओगे, तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि आप जोनाथन जैसा बन जाओगे, क्योंकि जोनाथन जैसा बनने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस। और सबसे मेन चीज़, अगर आप लोगों को जोनाथन जैसा बनना है ना, आपको चाहिए एकदम अच्छा डिवाइस, और डिवाइस के लिए आप लोगों के पास आईफोन रहना चाहिए, क्योंकि आईफोन के अंदर एम असिस्ट इतना ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जो रिकॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम कम रहता है, मतलब आप लोग इतना ज़्यादा अच्छे से रिकॉयल कंट्रोल कर पाओगे ना, क्योंकि इसका जो जायरा है वो एकदम टॉप नॉच है। अगर आप लोग थोड़ा सा ही फोन को टिल्ट या कुछ भी करते हो ना, एकदम इंस्टेंट काम करता है, ये नहीं कि कोई भी एंड्रॉइड जैसा थोड़ा सा हम लोग को डिले देखने के लिए मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो जायरा सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, इसकी वजह से हम लोग को जो है सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हम लोग को रिकॉइल कंट्रोल मिलता है वो है आईफोन के अंदर। अगर आप लोगों के पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग है ये मैं एंड्रॉइड के अंदर भी यूज़ करता था और आईफोन के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे मेन बात है ना, ये दोनों के अंदर ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट काम कर रहा है। मतलब अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, मतलब लो एंड डिवाइस वाले लोगों के लिए नहीं है, अगर आप लोगों के फ़ोन के अंदर जायरो काम नहीं करता तो मैं बोलूँगा इस वीडियो को आप लोग मत देखो, क्योंकि अगर जायरो प्लेयर नहीं होना तो आप लोगों को रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को फिंगर से पूरा ड्रैग ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन आपके फ़ोन के अंदर अगर जायरो प्लेयर हो आप लोग, या फिर जायरो काम करता है आपके फ़ोन के अंदर अच्छे से काम करता है, या फिर ठीक ठाक नॉर्मली काम करता है, तो ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितना भी गन से मतलब जितने भी अभी और भी बहुत सारे जो गन से वो बाकी है मेरे को यहाँ पे पूरा सेंसिटिविटी एक एक करके ठीक करने का, लेकिन मैंने जो एकदम मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं गन ने ना, मैंने सबका यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग मैंने एकदम परफेक्टली कर दिया है। और ये सेंसिटिविटी के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि आप लोग मतलब कोई भी सेंसिटिविटी ले लो और फिर हर एक गन के लिए अलग अलग आप लोगों को सेंसिटिविटी करना पड़ेगा, नहीं, आप लोगों को कोई भी ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस सेंसिटिविटी के अंदर मैंने अच्छे से एकदम परफेक्टली हर एक गन के लिए कर दिया है। अभी धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड करते रहूँगा गन, मतलब पूरे गन को मैं धीरे धीरे कर दूंगा पूरा सेंसिटिविटी। अभी क्योंकि सेंसिटिविटी बनाने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को हर एक चेक करना पड़ता है, हर एक स्कोप एडीएस सब कुछ चेक करके बाद में फिर मेरे को बनाना पड़ता है, तो इसके वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये वाले वीडियो के अंदर मतलब ऑलमोस्ट जितने भी M4 बैरल, उसके बाद AKM, जितने भी आप लोगों को जो मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोग स्प्रे वे दोगे ना, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो मैंने उसका जो सेंसिटिविटी सबका एकदम परफेक्ट कर दिया है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं तो अपना सेंसिटिविटी सेटिंग दे दूंगा, लेकिन अभी आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग ये वाला प्रैक्टिस करो, ये वाला प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो एम है वो बहुत ज़्यादा मतलब एम नहीं आप लोग जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, मेरा सेंसिटिविटी ले लो उसके बाद फिर ये वाला प्रैक्टिस करो उसके बाद ये करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कोई भी ड्रिल कर लो, आप लोगों का जो सेंसिटिविटी सेटिंग वो परफेक्ट नहीं होने वाला जब तक आप लोग उसको मास्टर नहीं कर लेते। अब मैं बोल रहा हूँ मास्टर करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके चेयर पार्क में जाके आप लोग ये वाला ट्रेनिंग करते रहोगे और फिर आप लोग एकदम मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं। आप लोगों को ये सब चीज करने के लिए एकदम प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, आप लोगों को क्लासिक खेलना पड़ेगा। अब मैं क्लासिक खेलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आप लोग भाई आप लोग माइनस माइनस हो जाएगा, मेरा केडी डाउन हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ के लिए डर हो ना कि मेरा केडी डाउन हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा आप लोग फिर सेंसिटिविटी सेटिंग कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। जब अगर आप लोग डरोगे जितना डरोगे ना उतना आपका सेंसिटिविटी और भी खराब होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डरोगे, क्योंकि अगर आप लोग फाइट ही नहीं लोगे और अपना केडी के लिए रहोगे कि यार मेरा केडी मेरा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप लोग डर के मारे क्या करोगे, अच्छे से मार ही नहीं पाओगे, एम ही आपका सही नहीं होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का जो स्प्रे वो भी
सही नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को स्प्रे के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तभी आप लोग कुछ कर पाओगे ना, मतलब कि हाँ भाई मेरे को ये वाला 3x के अंदर मेरे को स्कोप के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा या फिर ज़्यादा कर दूंगा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो आप लोग चेक ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे मतलब होगा। तो इसके लिए फाइट लो, और फाइट ये नहीं कि क्लोज रेंज एकदम जाके घुस के मार दो बार और फिर जाके मर जाओ, ऐसा नहीं। आप लोग लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग रेंज नहीं मिड रेंज वाला फाइट लो, और मिड के थोड़ा सा क्लोज वाला फाइट लो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइट रहेगा। अगर वो वाला फाइट लोगे आप लोग तो सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों जो सेंसिविटी सेटिंग है वो काम आएगा, क्योंकि मिड रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेंसिविटी काम आता है, क्योंकि मिड अभी हम लोग सेंसिविटी सेटिंग क्यों लेते हैं, सेंसिटिविटी सेटिंग इसलिए लेता है कि हम लोग जो 4x का स्प्रे 3x का स्प्रे 6x का स्प्रे तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे 6x का स्प्रे, ताकि आप लोग जो है एकदम स्कोप का सेंसिटिविटी हो एकदम परफेक्ट कर पाए। तो मैं यहाँ पे अपना जो सेंसिटिविटी पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा स्क्रीन का जो मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग है, कैमरा सेटिंग जरा देख लो यहाँ पे कैमरा जो सेंसिटिविटी है पूरा, और मेरा जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डीपली एकदम खेल खेल के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर मेरे को पता चला है कि कौन सा सेंसिटिविटी के अंदर क्या रखना है, तो मेरा एकदम परफेक्ट है, मैंने किसी का भी कॉपी नहीं किया, ये मेरा खुद का सेंसिटिविटी सेटिंग है और मेरा ये सेंसिटिविटी। और मैं बताता हूँ कि आगे कौन सा, देखो ये है मेरा जायरो का सेंसिटिविटी, ये मतलब एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है। अगर आप लोग लोगे ना एक बार यूज़ करके देखो, बाद में मेरे को बोलना कि हाँ भाई एकदम मस्त चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आप लोगों को अलग अलग टाइप के सेंसिटिविटी सेटिंग देते हैं, लेकिन एक बार ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरा जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ना, पहले मेरा एक चैनल था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200K व्यूज़ गए थे तब भी के टाइम के अंदर, और तभी के टाइम के अंदर मेरा चैनल नया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मेरे जो सेंसिटिविटी सेटिंग वो प्यार देते थे, क्योंकि मैं एंड्रॉइड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग मैंने बनाया था उस टाइम के अंदर, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया था उसके अंदर, और बहुत सारे लोग मेरे को अभी भी मतलब पहचानते उस सेंसिटिविटी सेटिंग से, लेकिन अभी मैंने उसका चैनल सेल कर दिया था, चैनल सेल करने के बाद बहुत सारे लोग मेरे को अभी भूल गए, लेकिन हम लोगों ने वापस चालू किया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सेंसिटिविटी कोड है मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग जाके अप्लाई करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है। और ये जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ये मैं बोला था कि एक जन के साथ मैच करता है और वो है जोनाथन। अब पक्का मेरे को पता है कि आप लोग मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू फेक रहा है, लेकिन मैं देखो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। अब आप लोग एक काम करना, जोनाथन भाई को या फिर सुपर चैट करो, कुछ भी करो, बस उनको बोलना है कि आप लोग बस आप बस अपना कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग दिखा दो या फिर अपना जायरो सेंसिटिविटी दिखा दो। आप लोग पक्का देखो मेरे यहाँ पे ये नहीं कि जो जोनाथन भाई है उनसे एकदम परफेक्टली एकदम मैच करेगा ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग, नहीं पूरा एकदम परफेक्टली मैच नहीं करेगा, 80% मैच करेगा और बाकी जो 20% है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को देखो अपना भी खुद का सेंसिटिविटी सेटिंग सबका खुद का पर्सनल रहता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि जो सबका सेंसिटिविटी सेटिंग है वो अलग अलग रहता है, आप लोग चाहे किसी का भी सेंसिटिविटी ले लो, जोनाथन स्काउट मॉर्टल विटल किसी का भी ORK क्लैन का जितने भी मतलब कौन सा भी आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग ले लो, आप लोग काम ही नहीं करने वाला जब तक आप लोग उसको एकदम मास्टर नहीं कर लेते। तो मेरा जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ये अगर आप लोग नॉर्मल भी हो ना तो नॉर्मल लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग एकदम मतलब मेरा सेंसिटिविटी अच्छे से काम नहीं कर रहा ना तो आप लोग एक काम कर सकते हो, सीजन एक्सपर्ट जो है वो वाला सेंसिटिविटी सेटिंग यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ही मेरे को लो लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो है ज़्यादातर लोगों के पास लो एंड डिवाइस है और या फिर मिड रेंज डिवाइस है, इसके वजह से वो वाला सेंसिटिविटी जो सीजन एक्सपर्ट है वो हम लोग इतना भी ज़्यादा हाई देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये वाला आप लोग सीजन एक्सपर्ट कर सकते हो अगर आप लोग पास नॉर्मल डिवाइस है या फिर, तो आप लोग सीजन एक्सपर्ट कर दो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा सेंसिटिविटी सेटिंग। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी सीजन एक्सपर्ट कुछ नहीं करना है तो मेरा वाला सेंसिटिविटी एक बार यूज़ करो, और अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए या फिर लाइक आ गए तो मैं आप लोगों के एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा वीडियो लाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप के भी वीडियोज़ लाऊं BGMI के रिलेटेड, लेकिन BGMI अभी तक अनबैन नहीं हुआ है, जब BGMI अनबैन होगा तो मैं पूरा एकदम नया सीरीज स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से लेके कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या करना है, कैसे खेलना है, कौन सा सेटिंग आप लोगों को अप्लाई करना है जिससे आप लोगों को जो सेंसिटिविटी सेटिंग है या फिर कोई भी जो आप लोगों को एकदम बेस्ट काम करेगा, आप लोगों को जो हेड एकदम बेस्ट लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे मेरे को टिप्स एंड ट्रिक पता है। तो अगर आप लोग मतलब इस वीडियो के अंदर अच्छे से व्यूज़ आ गए हैं तो मैं ज़रूर उस वीडियो के ऊपर काम करूंगा धीरे धीरे और भी आगे वीडियोस के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग करोगे तो अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा पहुंचाते हो, शेयर करते हो और फिर लाइक विक से भर देते हो तो मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। सो या बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा, और हाँ इस वीडियो को शेयर कर दो और एक लाइक तो जरूर कर देना। तो चलो बाय बाय।